सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 4 है, खाद्य पोषण तथा स्वास्थ्य। तो इस पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। यह लेसन आपके NIOS जो बोर्ड है उसमें भी दे रखा है, साथ में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के अंतर्गत भी दे रखा है। तो खाद्य पोषण तथा स्वास्थ्य वाला जो पाठ है उसके जो प्रश्न उत्तर है जो पाठ में दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अधिकतर इस पाठ के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो पाठागत प्रश्न है 4.1, भोजन की परिभाषा बताइए कि भोजन किसे कहते हैं। तो जैसे कि उत्तर दे रखा है कि भोजन क्या है, कि भोजन ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य हो वह शरीर का पोषण करे। तो भोजन हम किसे कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जो क्या हो, खाने योग्य हो और शरीर का पोषण करे, यानी शरीर में सभी पोषक तत्व भोजन से हमें प्राप्त हो, क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 है, भोजन के 3 कार्य बताइए। तो भोजन के 3 कार्य क्या, सामाजिक कार्य है, शारीरिक कार्य तथा मनोवैज्ञानिक कार्य है। समाज के अंतर्गत कार्य कैसे आता है, जैसे समाज में कई जो महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं, कार्य होते हैं, तो उसमें भोजन एक महत्वपूर्ण अंग होता है उस उत्सव और कार्यक्रम का। शारीरिक, शरीर में हमें भोजन ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन सहायक होता है, हमें भूख को शांत करता है, तो इस तरह शारीरिक कार्य करता है। मनोवैज्ञानिक कार्य, भोजन हमारी मानसिक तृप्ति को शांत करता है। जैसे कि मान लो एक बच्चे को जो माँ उसको दूध पिलाती है तो उससे मनोवैज्ञानिक लगाव उस बच्चे का माँ के प्रति हो जाता है, तो इस प्रकार भोजन जो है कार्य करता है। तो मुख्य 3 कार्य तो ये हो गए, सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्य। अगला प्रश्न है, भोजन के प्रत्येक कार्य के लिए एक उदाहरण दीजिए। जैसे कि ऊर्जा देने वाला भोजन होता है, ठीक है। तो भोजन के प्रत्येक कार्य के उदाहरण हम देखें तो ऊर्जा देने वाला भोजन, शरीर को बनाने वाला भोजन और नियंत्रण का कार्य तथा रोगों से सुरक्षा करने वाला भोजन। तो इस तरह से भोजन हमारे कितने काम करता है, 3 कार्य करता है। पाठगत प्रश्न 4.2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका पहला है ए, पोषण क्या है। तो देखो पोषण क्या है, तो पोषण के बारे में देखेंगे कि इसका उत्तर है कि पोषण शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों के ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। तो पोषण क्या है, शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन होता है जिसके द्वारा जीवित प्राणी जो होता है वो ऐसे पदार्थों के ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि शरीर की वृद्धि करना, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करना और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ये सभी कार्य किसके होते हैं, भोजन के जरिए। भोजन से हमें पोषण प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि भोजन में पौष्टिक तत्व होते हैं तो उसको फिर उसका पोषण हमारा शरीर करता है। बी है, पोषण तत्वों के कार्यों की सूची बनाइए। तो पोषण तत्व क्या क्या काम करते हैं, तो पहला है शरीर को उचित पोषण प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा, शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा, शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना। चौथा, विषाणु से रोगों का बचाव करना। तो ये कार्य कौन करता है, ये कार्य पोषण करता है। अगला प्रश्न है सी, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के 2-2 उदाहरण दीजिए। जो भी खाद्य पदार्थ है उसके 2-2 उदाहरण हमें देने हैं, ठीक है। जैसे कि जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में हो, तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, तो उत्तर है अनाज और दालें। सेकेंड है, जिसमें शर्करा अधिक मात्रा में हो, तो शक्कर और गुड़। अगला हमें सही गलत बताना है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊर्जा देना है, तो ये कार्य क्या है, ये गलत है, क्योंकि प्रोटीन हमें ऊर्जा नहीं देता, ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करता है, हमारे मांसपेशियों का निर्माण करता है। बी है, आहारीय तंतु अपर्याप्त शर्करा है, तो ये वाक्य भी सही है। सी है, आहार में अनाज व दालों का सम्मिश्रण प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाता है, तो ये वाक्य सही है कि जब आप आहार में अनाज और दालों का जो मिश्रण कर लेते हो तो उसमें प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। डी है, वसा कमरे के तापक्रम पर तरल होता है, तो ये वाक्य गलत है। पाठागत प्रश्न 4.3, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो पाठागत प्रश्न 4.3 है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के को निम्नलिखित में वर्गीकृत कीजिए। तो ये विटामिन है ए, बी, सी, डी, ई और के, इनको वर्गीकृत करना है कैसे। पहला है जल में घुलने वाले विटामिन, तो जल में घुलने वाले विटामिन कौन से, बी व सी। देखो बी और सी तो क्या है, जल में घुलते हैं, और बाकी जो विटामिन है इनमें से वो किस में घुलते हैं, वसा में घुलने वाले। वसा में घुलने वाला मतलब जो तेलीय पदार्थों में घुलते हैं। तो हमारे बॉडी को चिकनाहट की जरूरत होती है जिसके लिए हम घी खाते हैं, तेल खाते हैं। तो जो विटामिन ए, डी, ई, के, तो आपको याद रखना है ए, डी, ई, के,
ए डी ई के, इस तरह से आप याद रख सकते हो ए डी ई के जो विटामिन से वसा में घुलते हैं। वसा मतलब हम जो भी चिकनाहट चीज़ खाते हैं, जैसे हमें दूध में चिकनाहट मिलती है, हमें घी है, तेल है, है ना, अन्य कई भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें चिकनाहट होती है, तो जो हमारी बॉडी में जाता है, तो वो बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, जब हम किसी विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, डी युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, ई और के युक्त खाद्य पदार्थ जब हम खाते हैं, तो इनको हमारे शरीर में घुलनशील घुलने के लिए, इनको हमारे शरीर में काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, चिकनाहट की आवश्यकता होती है, यानी वसा की आवश्यकता होती है। तो हमें वसा लेना भी जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 30 ग्राम की लेनी चाहिए, वसा लेनी चाहिए। तो 30 ग्राम वसा का उपयोग उसके शरीर के लिए आवश्यक होता है। और जल में घुलनशील, तो ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी और सी, तो विटामिन बी और सी वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो सब्जियां होती है, उसको कभी भी पानी में काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, वरना उसके विटामिन किस में घुल जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे। तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा आपको बताते जा रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत, गलत कथन को सही कर लिखिए। तो बताना है पहला कि शरीर पर खुली धूप पड़ने पर हमारी त्वचा में विटामिन सी उत्पन्न होता है, तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि उससे क्या उत्पन्न होता है, हमारे विटामिन डी उत्पन्न होता है। सेकंड है, विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखता है, तो ये वाक्य सही है। तीसरा है, विटामिन के से भूख का अनुभव होता है, गलत है। विटामिन के रक्त जमाव के लिए आवश्यक होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाचन क्रिया में मदद करता है, वह इससे भूख बढ़ती है। तो देखो, विटामिन के से भूख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, हमारे रक्त के लिए, ये रक्त के जमाव के लिए जरूरी है। मान लो आपको कभी चोट लग गई, तो आपके रक्त का थक्का किससे जमेगा, विटामिन के द्वारा जमेगा। जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो 8 विटामिन का समूह होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितना विटामिन का समूह है, तो 8 विटामिन का समूह है। ये पूछा जाए 8 विटामिन का समूह कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये आपके पाचन क्रिया में मदद करता है, यानी आप जो भी खाना खाते हो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से तुरंत पच जाता है, ठीक है, और वो आपको आपको फिर भूख भी जागृत होती है। चौथा है, रक्त जमाव के लिए विटामिन ई आवश्यक है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि रक्त के जमाव के लिए तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। पांचवा है, मजबूत दांत व हड्डियों के लिए विटामिन ए तथा बी की आवश्यकता होती है, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि मजबूत दांत और हड्डी के लिए तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पाठागत प्रश्न 4.4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधारण नमक एवं आयोडीन नमक में क्या अंतर है? देखो, साधारण नमक तो साधारण होता है, जबकि आयोडीन नमक में आयोडीन युक्त नमक को ही हम आयोडीन नमक कहते हैं। तो आयोडीन क्या होगा, आयोडीन युक्त नमक से मिलती है, तो आयोडीन हमें जो आयोडीन युक्त नमक होता है उससे हमें आयोडीन मिलती है। सेकेंड, कैल्शियम की क्या महत्व है, कैल्शियम क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर है, हड्डियों का विकास, रक्त जमाव तथा मांसपेशियों में परस्पर संबंध के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैल्शियम हमारे हड्डियों का विकास करता है, रक्त के जमाने में सहायक होता है, ठीक है, और मांसपेशियों के परस्पर संबंध, मांसपेशियों के अच्छे से विकास करने में, गतिशील रहने में भी सहायक होता है। तीसरा, शरीर में लोह तत्वों के अवशोषण में सहायक तथा बाधा पहुंचाने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। देखो, विटामिन सी तथा प्रोटीन अवशोषण से में मदद करते हैं, अवशोषण में ऑक्लेट व फाइटेट बाधा डालते हैं। चौथा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? तो हमें लोह तत्वयुक्त खाना खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनेगा, यानी हमारे शरीर में ज़्यादा ज़्यादा रक्त बनेगा। हमारे शरीर में पांचों है, हमारे शरीर में हड्डियाँ किस खनिज लवण से बनती है? तो हमारे शरीर में हड्डियाँ जो है कैल्शियम से बनती है। प्रश्न संख्या 6 है, बच्चों में मानसिक मंदता किस खनिज लवण की कमी से हो जाती है? तो ये आयोडीन की कमी से। मानसिक मंदता मतलब बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है, अगर उसकी माता ने गर्भावस्था के दौरान आयोडीन युक्त नमक का सेवन नहीं किया, तो वो बच्चा मानसिक मंदता से मानसिक मंदता का शिकार हो जाएगा। तो ये ही कारण होता है मानसिक मंदता का, कि अगर आपने आयोडीन युक्त नमक का उपयोग नहीं किया है। अब ये पाठगत प्रश्न 4.5, आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। देखो, पहला है, आहार एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है, और इससे क्या होता है कि शरीर में अवशोषण होता है, तो इसका आएगा आंसर बी, इसमें शरीर में अवशोषण होता है। फिर है प्रश्न संख्या 2, वृहत पोषक तत्व है शर्करा, वसा और प्रोटीन, तो इसका आंसर आएगा प्रोटीन, क्योंकि वृहत का मतलब होता है ऐसे पोषक तत्व जिसको हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वो कौन से पोषक तत्व कहलाते हैं, वृहत। और सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जिसको हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है, जैसे कि खनिज और विटामिन है, जबकि शर्करा है, वसा है और प्रोटीन है, कैल्शियम है, इनको तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये वृहत पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ये आएगा बी, विटामिन और खनिज, तो इसका आंसर क्या है, बी, विटामिन और खनिज, ये है वृहत पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, जो इसको हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है।
प्रश्न संख्या 4 है, पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा भिन्न भिन्न लोगों में क्या होती है? तो पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होती है, तो इसका आंसर आएगा डी कि भिन्न भिन्न लोगों में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न आवश्यकता उसकी पोषक तत्वों की होती है। अब है पाठांत प्रश्न, आपके पाठ में जो कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जो अंत में दे रखे हैं, उसके उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, ऊर्जा प्रदान करने वाले तथा शरीर बनाने वाले दो खाद्य पदार्थ खाद्य स्रोत लिखिए जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऐसे खाद्य पदार्थ जिससे हमें जो है शरीर बनता है। तो पहला है उत्तर, ऊर्जा प्रदान करने वाले दो खाद्य स्रोत है चावल और गेहूं तथा आलू, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर बनाने वाले दो खाद्य स्रोत है दाल और दूध, क्योंकि दाल में हमें प्रोटीन मिलता है, दूध में हमें कैल्शियम प्रोटीन मिलता है, तो इससे हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 2 है, अब देखो मिस्ड प्रिंट है, ये प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है, आप उसको पहला मत मान लेना, ये प्रश्न संख्या 2 है। तो प्रश्न संख्या 2 है, वृहत तथा सूक्ष्म पोषक तत्व की परिभाषा दीजिए। वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? मैंने अभी पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि वृहत पोषक तत्व वह होते हैं, ये तत्व भोजन में ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं और शरीर के लिए भी ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो वृहत पोषक तत्व क्या होते हैं कि यह भोजन में भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और शरीर के लिए भी ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, वह वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाइए? वृहत पोषक तत्व, जैसे कौन से? कैल्शियम है, प्रोटीन है, वसा है, शर्करा है, ये हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला, सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं? वह महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो भोजन में अल्प मात्रा में होते हैं, वह यह शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, वह वृहत पोषक तत्व होते हैं। जबकि खनिज है ना, तो ये देखो जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं वह तो वृहत पोषक तत्व कहलाएंगे, जबकि जिसकी मात्रा हमारे शरीर में कम चाहिए वो क्या कहलाए? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो खनिज तथा विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो आप देख लेना, ये शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते है ना, तो ये क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। यहाँ पर आएगा सूक्ष्म पोषक तत्व, यहाँ आएगा कम, ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ज़्यादा की जगह कम लिखना है यहाँ पर, ये कम पढ़ना यहाँ से, तो ये कम मात्रा में आवश्यक हमें होते हैं, और ये क्या करते हैं हमारे शरीर में जो है जो शरीर के खनिज है, विटामिन है, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, शर्करा तथा प्रोटीन के कार्य लिखिए। तो शर्करा और प्रोटीन के क्या कार्य है? शर्करा के कार्य है शर्करा तथा ये कार्बोहाइड्रेट के कार्य इस प्रकार है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। शर्करा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, इसका मुख्य काम शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह प्रोटीन की बचत करता है और शरीर संरचना के लिए जरूरी है। तीसरा है, आहारी रेह से मल वृद्धि करके मल त्याग की प्रक्रिया को आसान कर देता है। तो शर्करा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे? जैसे शर्करा यानी मीठा होता है, ठीक है, तो मीठे में कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको कभी बहुत तेज भूख लग रही है, आपने 2 पीस मिठाई खा ली, तो आपका पेट भरा भरा हो जाएगा, ठीक है, और साथ में प्रोटीन को अपना काम करने के लिए छोड़ देता है ये, है ना। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो फिर प्रोटीन क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, वो काम प्रोटीन करने लग जाएगा, है ना। तो प्रोटीन का तो वास्तविक काम तो क्या है प्रोटीन का? कि शरीर के अंदर मांसपेशियों का निर्माण करना, ठीक है, शरीर की वृद्धि करना, विकास करना। लेकिन जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो फिर वो काम प्रोटीन करने लग जाता है, ठीक है। तो फिर प्रोटीन का जो वास्तविक कार्य है वो छूट जाता है, इससे हमारे शरीर की बॉडी का हमारा निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता, शरीर कमजोर हो जाता है। तो जब हमारे शरीर में शर्करा अच्छी मात्रा में है यानी कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में है तो प्रोटीन की बचत होती है और इससे शरीर की संरचना के लिए वो प्रोटीन कार्य करता है। आहारी रेह से प्राप्त होते हैं जिससे मल त्याग की प्रक्रिया आसान हो जाती है। प्रोटीन के कार्य, अब प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य इस प्रकार है। प्रोटीन शरीर के तंतुओं की वृद्धि करता है, मरम्मत तथा रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन शरीर की विभिन्न क्रियाओं के नियमित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जैसे कि अम्ल क्षार की मात्रा का निर्माण करता है प्रोटीन, हार्मोन्स का निर्माण करना, ठीक है, प्रोटीन के कार्य है। और इसके अलावा एंजाइम का निर्माण करना, एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन, रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक है, और ऊर्जा प्रदान करने में प्रोटीन सहायक होता है। प्रश्न संख्या 4 है, किसी भी व्यक्ति के आवश्यक पोषण पर प्रभाव डालने वाले कारण लिखिए। देखो किसी भी व्यक्ति के आवश्यक पोषण पर, किसी भी व्यक्ति को पोषण आवश्यक होता है तो उस पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो भी पोषण तत्व लेता है उस पर ऐसे क्या तत्व है जो उस पर प्रभाव डालते हैं। देखो इसका आंसर है, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके द्वारा प्रयुक्त भोजन के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य किस पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह का खाना खा रहा है, ठीक है, वो किस तरह का भोजन ले रहा है, किस मात्रा में ले रहा है, इस पर निर्भर करेगा। एक व्यक्ति में वृद्धि व विकास के लिए तथा स्वास्थ्य जीवन के लिए अच्छा पोषण आवश्यक होता है। जब कोई व्यक्ति सही भोजन नहीं करता तो शरीर का सामान्य विकास नहीं हो
नहीं होता है। तो जब वो अच्छा भोजन नहीं करेगा, संतुलित भोजन नहीं लेगा, तो उसके शरीर का सामान्य विकास नहीं हो पाएगा। किसी भी व्यक्ति के आवश्यक पोषण पर प्रभाव डालने वाले कारक निम्न हैं। तो क्या क्या प्रभाव डालते हैं? पहली बात पर गरीबी, अगर व्यक्ति गरीब है तो वो आवश्यक पोषक तत्व वाला भोजन नहीं ले पाएगा। अज्ञानता, उसमें ज्ञान ही नहीं है कि कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो हर हमेशा एक जैसा खाना खाता रहेगा। तीसरा, शिक्षा का अभाव। चौथा है बेरोजगारी। तो ये सभी कारक है जो व्यक्तिगत पोषक तत्वों को प्रभावित करते हैं। देखो, यहाँ से एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि आहार, पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे पर किस तरह से निर्भर है, एक दूसरे को परस्पर कैसे संबंधित है। तो आहार यानी कि भोजन या खाद्य पदार्थ और पोषण है ना, और साथ में ही स्वास्थ्य। तो आहार, पोषण और स्वास्थ्य आपस में परस्पर कैसे एक दूसरे से परस्पर निर्भर है, एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो इसका आंसर भी है कि जब व्यक्ति संतुलित आहार लेता है, अच्छा आहार लेता है, तो उसको अच्छे पोषक तत्व प्राप्त होंगे। जब अच्छे पोषक तत्व प्राप्त होंगे तो व्यक्ति क्या रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा। तो इस तरह से तीनों ही आहार यानी खाद्य पदार्थ और उससे मिलने वाला पोषक तत्व और साथ में ही स्वास्थ्य, ये तीनों परस्पर संबंधित होते हैं। अगर आपने संतुलित भोजन नहीं लिया तो आपका अच्छे पोषण नहीं मिल पाएगा, अगर अच्छा पोषण नहीं मिला तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न भी एक बनता है। तो आप इसी प्रश्न से ये दूसरा प्रश्न भी निकल रहा है, तो जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर के प्रश्न होते हैं कम्प्लीट। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी आप किताब से इसको पढ़ सकते हैं। मैंने चैनल पर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा रखा है, बार बार चैप्टर को पढ़ोगे आपको प्रश्न के उत्तर आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर याद करने से पहले जरूरी है कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, चाहे आप वीडियो से पढ़ो, चाहे आपकी खुद की पाठ्य पुस्तक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन जरूरी है लेसन को पढ़ना। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ में पाठ के जो ये क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको समझ में आया होगा, साथ साथ याद भी हो गए होंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आप जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट है उनको आप शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।